भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवे शशि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायण। सदैव मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो, इससे अवश्य ही तुम मेरे पास आओगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये भगवान अहंकार कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे 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 मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो। देखिए, सच बोलना अहंकार करना नहीं होता है। कोई किसी से पूछे कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो वो बोलता है कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, वो सच बोल रहा है, तो ये अहंकार नहीं कर रहे हैं। वाकई में अगर हम भगवान की लीलाओं का, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे हमारी शुद्धिकरण होती है। हम भगवान की सेवा क्या करें, वो जर्रे जर्रे में है, सब कुछ तो उन्हीं का है, तो उनकी क्या सेवा करें। सेवा तो वो कर सकता है ना जो हायर पोजिशन में हो। तो हमारी पोजिशन ही क्या है जो हम भगवान की सेवा करें। भगवान तृप्त हैं, पूर्ण हैं, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये इसीलिए कहते हैं कि इससे हमारे हृदय की शुद्धिकरण होती है। हम जितना उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उपासना करते हैं, तो इससे हमारी शुद्धिकरण होती है। और हमारी जो भौतिक संसारिक जो भी कलमश हमने कई जन्मों में इकट्ठे किए हैं, उसका नाश होता है और हमारे हृदय में तब वास्तविक ज्ञान, वास्तविक आनंद प्रकट होता है। अगर भगवान वाकई में अहंकार कर रहे होते तो भगवान अंत में अर्जुन को ये श्लोक कभी नहीं कहते, इतीते ज्ञानम अख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया बिम्रिशे एतत अशेषण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट ज्ञान दे दिया है, जो सीक्रेट में भी सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। अब तुम इस पर विचार करो और जो तुम्हारी मर्जी वही करो। अगर भगवान अहंकारी होते तो कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान हमें फोर्स नहीं कर रहे कि ये ज्ञान तुम्हें फॉलो करना ही है, अगर करोगे तो तुम्हारी भलाई है, तुम्हें सुख आनंद की प्राप्ति होगी, तुम्हारी जो कलमश है उसकी नाश होती है, अगर नहीं करोगे तो संसार के दुखों में फंसते रहोगे। तो इससे भगवान अहंकार नहीं कर रहे, हमारी भलाई के लिए भगवान बोल रहे हैं। रामायण में एक संदर्भ आता है, जब भगवान रावण को मारने के लिए वानर सेनाओं की मदद मांगते हैं, तब सुग्रीव जो है बहुत भयभीत होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तब भगवान सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव पिशाचन दानवान यक्षान पृथ्वी व्याम चैव राक्षसान अंगुग्रेन तान हन्यामिच्छन हरि गणेशर। मैं परम भगवान अगर चाहूँ तो बाएं हाथ का एक उंगली भी दबा दूँ ना, तो रावण, कुंभकर्ण, तो क्या दुनिया के जितने भी असुर हैं सब खत्म हो जाएंगे। तब सुग्रीव भगवान से पूछते, तो फिर आप हमारी सेवा क्यों ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो इससे तुम्हारी शुद्धिकरण होगी। तो ये कभी मत सोचना कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है इन असुरों को मारने के लिए। तो वही है, जैसे कि सूरज की किरणें में अगर कोई सड़ी हुई चीज़ रख देते हैं तो वो अपने आप प्योर होती जाती है, प्योरीफाई होती है। तो ठीक उसी तरह हम भगवान के सानिध्य में जितना रहेंगे, उनके बारे में जितना पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो हम ये ऑटोमेटिकली हम प्योरीफाई हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय की शुद्धिकरण हो जाती है। ये भगवान का नेचर है, भगवान करुणामय है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ कंपेशन हमें ये ज्ञान देते हैं, जो हमारे दुख हैं वो सदा के लिए ख़त्म हो जाए और हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।